अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आपकी विश पर कि आप लोग सब चाह रहे थे कि हमें अलग अलग बेसिस के बारे में बताया जाए, तो आज की वीडियो है ओनली डर्मा मिराकी पर। डर्मा मिराकी बेसिस इस तरह पायलट की सूरत में 6 कलर भी मिलते हैं और इसमें एक एक करके आपको सेपरेट कलर्स भी मिल सकते हैं। और 6 कलर की सूरत में आपको किट मिलेगी जिसके अलग से चार्जेस होंगे, लेकिन अगर सेपरेट लेंगी तो जो भी कलर आप चाहें आपको मिल सकते हैं। और उसके अलावा ये बेस जो है वो थिन होने के अलावा समर और विंटर और ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही खूबसूरत और सबसे बड़ी बात बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अब आते हैं इसके कलर की तरफ। सबसे पहले हम इस पर कलर लगाएंगे 6 नंबर। ये हाई पिगमेंटेशन, जिनके बहुत डार्क सर्कल हों, जिनको चाइयाँ हों, जिनको फ्रैकल्स हों, उनको आप लगाएं। ये हमारा 6 नंबर। उसके बाद हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में थोड़ी सी पिंक टोन आती है और जिनको कम यानी कि लाइट कलर के फ्रैकल्स हों या कम डार्क सर्कल हों उनको आप लगा सकते हैं। ये अब मैं लगा रही हूँ MJ मिराकी 4 नंबर। 4 नंबर जो है ये नेचुरल शेड है, बेज शेड है, ये आप लगा सकते हैं जिनका कलर नॉर्मल हो। उसके बाद हम अब लगाएंगे नंबर 3। नंबर 3 कलर जो है ये एक ऐसा कलर है जो ऐसे शेड पर कलर पर लगेगा जो ना तो ज़्यादा फेयर हो और ना ही ज़्यादा डार्क हो। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे नंबर 2। नंबर 2 जो है ये आइवरी शेड है जो कि एक फेयर टोन है, ये देखिए। और उसके बाद हम लगाएंगे नंबर 1। नंबर 1 थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर, जो कि अक्सर आप नाइट मेकअप जब करते हैं, इवनिंग मेकअप करते हैं या हाइलाइटिंग जहां पर करनी होती है फेस पर, वहां पर हम 1 नंबर यूज़ करते हैं। और ये हमारा है 1 कलर। डर्मा मिराकी में आपको 6 ये वो शेड है। अगर आपके पास ये शेड है तो आप पॉलर में हर तरह की स्किन को डील कर सकते हैं। इसमें स्मॉल और लार्ज दोनों पैकिंग्स हैं। और अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर ले रही हैं अपने लिए, तो आप अपनी टोन के मुताबिक सिलेक्शन कर सकती हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हर प्रोडक्ट की इसी तरह सेपरेट वीडियो आएगी। आई होप आपको पसंद आए।